हेलो दोस्तों, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर घर के फ्रिज में पाई जाती है। सबसे कॉमन खाई जाने वाली चीज़ है टमाटर, हर सब्जी में डलती है और सबसे कॉमन सूप भी है टमाटर का सूप। आप जहाँ भी जाएंगे एक सूप जो आपको ज़रूर मिलेगा वो है टमाटर का सूप। पर क्या आप जानते हैं कि टमाटर के सूप में कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये आपकी सेहत के लिए? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सूप्स की लिस्ट में बाकी सारे फैंसी सूप्स हो जाएंगे आउट और सबसे ज़्यादा ऊपर या टॉप में जो सूप रहेगा आज के बाद वो होगा टमाटर का सूप, यानी कि टमेटो सूप। हमें लगता है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तो है ही उसे बनाना, ये एक एडिशनल बेनिफिट है, पर इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है जिसे आज जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर जॉय, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और इसीलिए इस चैनल पर जो भी हम बात करते हैं वो साइंटिफिक बातें होती हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी जाती। अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो जानते हैं कि हम हमेशा हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको मिल सकें। और जैसा आप जानते हैं अगर इस चैनल पर पुराने हैं तो मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे यानी कि हर मंगलवार और हर शुक्रवार नए वीडियोस लाती हूं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बिना देर किए कि टमाटर के सूप के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका टमेटो सूप को बनाने का यानी कि टमाटर के सूप को बनाने का क्या है। 10 मिनट भी नहीं लगते और आपके लिए बहुत सेहतमंद रहेगा। मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ बहुत समय मुझे नहीं मिलता है, लेकिन टमाटर का सूप मेरा फेवरेट है और मैं 10 मिनट में इसे तैयार करती हूँ। तो ये भी हम बात करेंगे कि कैसे सबसे आसानी से आप टमाटर का सूप बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले ये जानना कि इसके बेनिफिट्स यानी कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी। बच्चों को भी ये सूप पिलाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। कैसे? इसके अंदर होता है कैल्शियम और विटामिन के, जो दोनों हमारी बोन की, हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जिन लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, जिनका बोन मास कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हुआ इसका पहला फ़ायदा कि हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा फ़ायदा है हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे दिल को भी हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? इसके अंदर होता है विटामिन सी, जो क्या काम करता है, हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, उनका जो ब्लॉकेज होता है, जैसे आप बहुत बार सुनते हैं कि उनका जो हार्ट है उसकी आर्टरी में ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, 40% ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि जो फैट होता है, जो ये हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं इनके अंदर जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बढ़ जाता है, कुछ लोगों में इसके अंदर जम जाता है और खून के बहाव को रोकता है, जो दिल तक प्रॉपरली खून नहीं पहुंचा पाता है और हमें दिल की बीमारियां होती हैं या स्ट्रोक होता है। आपने सुना होगा कि दिमाग की नस में कोई परेशानी होने के कारण कुछ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इतनी खतरनाक बीमारियों से बचने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है टमेटो सूप, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए यानी कि हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। उन आर्टरीज में, खून की नलियों में ब्लॉकेज होने को रोकता है और स्ट्रोक के इंसिडेंस को होने को भी रोकता है। तो अगर आप अपनी हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, साथ में अपने दिल को भी मजबूत रखना चाहते हैं, तो एक सबसे आसान तरीका है कि आप टमाटर का सूप पीजिए। एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार ज़रूर उसे लीजिए। ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा, जो टमाटर होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। अभी एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? अगर बहुत टाइम से मेरा चैनल देख रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की बात मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मोटा मोटा ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हमें जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। लाइकोपीन एक ऐसा ही एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत मात्रा में टमाटर में पाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाल भी इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर लाइकोपीन नाम की पिगमेंट होती है। तो अब ये लाइकोपीन क्या करता है? एक तो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता ही है, हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा बेटर बनाता है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट, यही लाइकोपीन क्या करता है कि हमें कैंसर से लड़ने की भी क्षमता देता है। आपको पता है ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें ये पाया गया है कि जो महिलाएं, जो फीमेल्स रेगुलर बेसिस पर टमेटो सूप लेती हैं, टमाटर का सूप लेती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। और जो पुरुष यानी कि जो मेल्स इसको रेगुलरली लेते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। और मेल और फीमेल दोनों में ही ये स्टमक के यानी कि पेट के कैंसर को भी कम करने का चांस को कम करने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है सिंपल टमाटर का सूप। 4 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। और लाइकोपीन क्या करता है? लाइकोपीन हमें और एक चीज़ में हेल्प करता है, जिन लोगों को प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो रही होती है, जो इनफर्टिलिटी से निसंतानता से जूझ रहे होते हैं और अगर उसका कारण मेल इनफर्टिलिटी है, यानी कि पुरुष में कुछ परेशानी है, जो उनके स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, अगर वो कम हैं या उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो बिलीव मी टमाटर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जो टमेटो सूप होता है उसके अंदर जैसा मैंने बताया जो लाइकोपीन होता है वो मेल फर्टिलिटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने में भी काम आता है, यानी कि आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को भी वो बढ़ा देता है। तो हमने कितने सारे बेनिफिट्स के बारे में बात की कि एक जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत करने का काम करता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे दिल की हेल्थ को इंश्योर करने का काम करता है, तीसरा इम्यूनिटी बेटर करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, चौथा हमने बात की कि जो कैंसर है उससे लड़ने में भी हमारी मदद करता है, पाँचवा हमने बात की कि जो मेल इनफर्टिलिटी है यानी कि जो पुरुष से संबंधित, जो स्पर्म से संबंधित, शुक्राणु से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बेटर करने में हमारी हेल्प करता है। 5 बेनिफिट्स, अभी 5 और आने वाले हैं। तो छठा बेनिफिट क्या है? छठा बेनिफिट ये है, फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेनियम। सेलेनियम का क्या काम होता है? सेलेनियम खून के बहाव को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो अनीमिया होता है जिन लोगों को, यानी कि खून की कमी होती है जिन लोगों को, उनमें भी टमेटो सूप बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करता है, अनीमिया को क्योर करने में मदद करता है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ जो एप्पल है यानी कि सेब है और जो अनार है ये 2 चीज़ें ही खून बढ़ाने का काम करती हैं, टमेटो सूप भी खून को बढ़ाने का काम करता है। 6 चीज़ें। 7वीं चीज़ क्या है? 7वीं चीज़ ये है कि ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। एक और मिनरल होता है टमेटो सूप में जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम होता है, ये आपको याद रहे ना रहे इतना आपको याद रहना चाहिए या पता होना चाहिए कि ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। 8वीं चीज़ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि जो टमेटो सूप होता है, जो टमाटर का सूप होता है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। अब फाइबर भी एक नई चीज़ नहीं है, मैं हमेशा अपने बहुत सारे वीडियोस में बताती हूँ कि फाइबर क्या होता है। जो छिलका होता है किसी भी फ्रूट का या किसी भी वेजिटेबल का, उसको उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और वो फाइबर क्या करता है, जो हम जब लेते हैं ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर होता है तो काफ़ी समय तक हमारे पेट को वो फुल रखता है और हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम ओवर ईटिंग नहीं करते। तो ये क्या करता है, जो टमाटर का सूप है ये उस फाइबर के कंटेंट को क्योंकि अच्छा मेंटेन करके रखता है, तो जब आप इसे लेते हैं आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है, आप ओवर ईट नहीं करते हैं और वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है क्योंकि बहुत सारे रिच चीज़ें इसके अंदर, बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स के बारे में हमने बात की। हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी दिल को मजबूत रखता है, जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका जो कैंसर का रिस्क है उसको कम करता है, मेल फर्टिलिटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, जैसा मैंने बताया अनीमिया को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद करता है, और हमने बात की कि वेट लॉस में यानी कि वज़न को घटाने में भी हमारी हेल्प करता है। 8 चीज़ें। एक और बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनका काम क्या होता है, टिश्यू रीजनरेशन। विटामिन ए होता है इसके अंदर जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर अपनी आँखें भी आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि टमाटर का सूप लीजिए। 9 चीज़ें। और आखिरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको 10 बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, तो आखिरी चीज़ ये है कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के काम आता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखने के काम आता है। हमारी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रहती है, हमारा दिमाग कैसे स्ट्रॉन्ग रहता है, जो नर्व्स होती हैं हमारी, जो नसें होती हैं दिमाग की, उनमें अगर प्रॉपर सिग्नल जा रहा है, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको समझ पा रहे हैं, तो हमारा दिमाग तेज़ रहता है और इन्हीं सिग्नल्स को प्रॉपरली पहुँचाने का काम भी टमाटर करता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का भी काम करता है। तो ना सिर्फ आपके शरीर के लिए ये ज़रूरी है, आपके दिमाग के लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं एक सिंपल सी ऐसी चीज़ के जो बहुत आराम से हमें घर में मिल जाती है। आइए दोस्तों, अब क्विकली बात करते हैं इस बारे में कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे नेट पर, वीडियोस में, यूट्यूब पर एक बहुत आसान तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ टमाटर लेने हैं और पानी में उनको बॉईल करना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। और साथ में उसके अगर आपके पास गाजर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाजर के भी बहुत बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो टमाटर लीजिए थोड़े से, दो, जैसे अगर आप अकेले अपने लिए बना रहे हैं तो 2 टमाटर लीजिए, 1 गाजर लीजिए, दोनों को काटिए और उसको बॉईल करने के लिए पानी में चढ़ा दीजिए। थोड़ी देर बाद जब वो बॉईल हो जाए, जब वो नरम हो जाए तो उसे निकालिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। ये आपकी प्यूरी तैयार हो गई। फिर आप एक पैन के अंदर थोड़ा सा घी या बटर या ऑलिव ऑयल, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लेती हैं उसको कम मात्रा में लीजिए। प्याज आपको पसंद है तो थोड़ी सी प्याज उसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है। उसके अंदर फिर जो प्यूरी आपने टमाटर की और गाजर की तैयार की है उसे डालिए वापस उसके अंदर। उसमें थोड़ा सा नमक, हल्की सी मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं और काली मिर्च डालिए और थोड़ा सा उसके अंदर दूध डालिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। टमाटर के फ़ायदे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। गाजर के फ़ायदों के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे आगे किसी वीडियो में, आपको पता है बहुत ही अच्छी और हेल्दी चीज़ होती है। एंड एट दी सेम टाइम जो दूध है वो तो बहुत अच्छा होता ही है हमारे लिए, थोड़ा सा दूध डालिए। टमाटर और गाजर की प्यूरी आपके पास तैयार है ही, उन सबको मिलाइए, एक बॉईल आने दीजिए और आपका जो टमाटर का सूप है वो तैयार हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत आराम से तैयार हो जाता है, मैं 10 मिनट में इसको बनाती हूँ और बहुत फ्रीक्वेंटली मैं इस सूप को पीती हूँ, ये क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोग जब सूप बनाते हैं तो उसके गूदे को यानी कि उसके फाइबर को छान लेते हैं पतला करने के लिए और फिर उसमें क्रीम डालते हैं। क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध डालिए उसके अंदर और उस फाइबर को छानिए मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो उस फाइबर के अंदर ही है। अगर आप उसे छान लेंगे तो आपको सूप का स्वाद तो मिलेगा पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बेनिफिट भी चाहिए, आपको फ़ायदा भी चाहिए, तो सिर्फ पानी पानी नहीं लेना है, आपको उसके अंदर जो फाइबर है वो भी आपको लेना है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो रहा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं शायद जो आप नहीं जानते होंगे पर अब जानते हैं, तो आई एम श्योर आपके सूप की लिस्ट में सबसे ऊपर जो सूप अब आएगा वो होगा टमेटो सूप। और इसे घर में ही बनाइए, बनाना बहुत बहुत आसान है जैसा मैंने आपको बताया, और उसे बनाइए, पीजिए और हेल्दी रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही इन वीडियो से मैं चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए ऐसे हेल्थ वीडियोस के साथ मैं जैसे हर ट्यूसडे और फ्राइडे आती हूँ फिर आपको मिलूँगी और हम बात करेंगे एक नई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।